जी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। 2024 ईद अल्लाह पाक हम सब पे बरकतों वाली और तमाम परेशानियों से दूर आए और बरकतों वाली आए और अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आबाद है जो बीमार है, अल्लाह पाक सबको बीमारी से दूर करें, उनकी बीमारियां और उनकी परेशानियां दूर करें। मेरी बहुत सारी दुआएं तमाम मेरे दोस्तों को देखने वालों। तो आज एक बहुत ही अच्छी ईद की हम रेसिपी डाल रहे हैं, गुलत्ती चावल, जो कि हैदराबादी गुलत्ती, हैदराबाद हमारे सिंध हैदराबाद में बहुत मशहूर है। एक है वहाँ बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनकी बड़ी मशहूर है गुलत्ती। तो ये मीठे चावल ही होते हैं लेकिन ये कुछ अलग तरीके से होते हैं, तो बिल्कुल जेन्युइन रेसिपी गुलत्ती। तो चले आए बनाते हैं आधा किलो सेला चावल की गुलत्ती। जी बिस्मिल्लाह। टाइम को महफूज करने के लिए, कम करने के लिए, रेसिपी के ज़्यादा बड़ी ना हो, तो इसलिए हमने चावल देखें 2 घंटे भिगोए थे और फिर हमने इसको उबाल दिया और इसके अंदर हमने 4 से 5 अदर लौंग डाले और 3 से 4 अदर छोटी इलायची डाल के और थोड़ा सा हमने ज़ाफ़रानी केवड़ा डाल के इसको हमने उबाल दिया ऐसा कि देखें ये इस कंडीशन में, ना ज़्यादा कच्चे और ना ज़्यादा पक्के, और इसको छान के इसको हमने ठंडा कर लिया, सही है। और बाकी हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून भर के देसी घी लिया मैंने, आप डाल्टा भी ले सकते हैं, अगर ऑयल है तो ऑयल भी ले सकते हैं। 1/2 किलो चीनी नहीं डाल रहा मैं, 400 ग्राम चीनी डाल रहा हूँ, 400 ग्राम चीनी, 1 पाव ये है हमारा मुरब्बा रंग बिरंगा पेठा ये ले लें, 100 ग्राम किशमिश ले लें, 1 पाव हमने ले लिए रंग बिरंगे रसगुल्ले आ जाते हैं मार्केट में, और तकरीबन 1 पाव ले लिया हमने खोया, और ये है थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा 50 से 100 ग्राम, और बादाम पिस्ते और जो भी डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, काजू डालना चाहें आप डाल लें, क्योंकि बहुत महंगे हैं भाई, हर बंदा नहीं डाल सकता, तो इसलिए मैं वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करता कि जो कोई ना डाल सके, तो इसलिए अगर डालना चाहे तो ड्राई फ्रूट में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए बहुत आसान चावल हमारे उबल चुके हैं, तो चले आए जल्दी से बनाते हैं हैदराबादी गुलत्ती। उन्होंने हमारा गैस आया, जल्दी जल्दी हम पकाते हैं, हमेशा बड़ा लेक्चर नहीं, बोले 1/2 किलो पकाएं या 1 किलो, ये घी डाल रहे हैं इसके अंदर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें आप इस टाइम भी डाल सकते हैं, इलायची डालनी है लौंग डालने तो आप इस टाइम भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
बहुत आसान और जल्दी बनती है। तो मिक्स कर दें हल्के हाथ से। मैंने जब केवड़ा भी डाल दिया था जब चावल उबाले थे हमने, अब चावल अपना पानी और जो चीनी इसमें डालेगी वो अपना पानी छोड़ेगी, मगर पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स कर। थोड़ी सी पानी में नहीं होता, थोड़ी सी आग तेज करके उसको हम चढ़ा देंगे दम पे। ये देखो पानी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत है हल्का सा। तेज आंच कर दी मैंने, अब मैं इसको दम पे चढ़ा रहा हूँ। दम के लिए सही, अगर कोई कपड़ा है तो आप रख लें इसके ऊपर, नहीं तो आप इसको, ये देखिए पानी आ रहा है ना, अब इसको थोड़ी देर ऐसे पहले पकने दें तेज आंच ऐसे कर दें ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कितना। चलिए इसको हम पानी को सुखाते हैं फिर मैं आपको। देखिए जी मैं इसको तेज़ आंच पे सुखा रहा हूँ, उसका कितना पानी आ गया ना इसका निकला शीला। अब हमने तेज़ आंच पे और इस तरह बप्पे बप्पे से आप इसको पलटते रहेंगे ताकि इसका एक साइड पे नीचे चावल लगेंगे ना, थोड़े बहुत लग भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि चूल्हे हम लोग के नीचे घरों के जो बाजार में लेते हैं चूल्हे ऊपर होते हैं, तकरीबन एक फीट से दो फीट चूल्हा नीचे होता है और उसके ऊपर देख रखते हैं तो दो फीट ऊपर होती है तो उसमें लगती नहीं है। तो अभी हमने जब तक ये पानी नहीं सूखता इसको हम पका रहे हैं, और जैसे पानी सूखेगा फिर हम उसको दम पे चढ़ा देंगे। ये देखें जी पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया, थोड़ा बहुत है वो रहने दें, नहीं तो जल जाएगा नीचे से। बिल्कुल सीरो आँच करके इसको हम दम पे चढ़ा देते हैं 4 से 5 मिनट। सही जी बिल्कुल सीरो कर दी हमने आँच, इसके बाद आते हैं और फिर हम आपको देखते हैं। जी दम के दौरान ही आप इसमें खोपड़ा डाल देंगे, पिसा हुआ डालना है पिसा हुआ डाल दें, थोड़ा कुटा हुआ होता है जो मोटा मोटा वो डालना है, ये किशमिश डाल दें इसमें ताकि किशमिश भी नरम हो जाएगी ना दम में। सही जी बस अब हम इसको चढ़ा दें। चलो सही जी हमारा तकरीबन 8 से 7 मिनट हो गया इसको दम पे चढ़ाया था, दम हो गया। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं इसका। पहले ये डाल दें इसमें, फिर हम आपको निकाल कर देते हैं। थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि चावल अपनी जान पकड़ने फिर हम निकाल के दिखाएं। सही जी हमारी गुलत्ती तैयार है, बनाइएगा। ईद स्पेशल की रेसिपी दी आपको बहुत मज़े की और बहुत बेहतरीन हैदराबाद की गुलत्ती। इसके साथ ही तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से लाखों ढेरों ईद की खुशियां मुबारक और ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।